नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तेज रफ्तार खबरें भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है पेटीएम से जुड़ी हुई, वो हमारे दर्शकों को बता दें। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का बहुत बड़ा एक्शन। रिजर्व बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक पर फैसला सामने आया है, जहां रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी से डिपॉजिट नहीं ले पाएगा पेटीएम बैंक, नियमों का पालन न करने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक से ग्राहक अपना पैसा निकाल सकता है। बिल्कुल, तो ये बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। और जिन ग्राहकों के वॉलेट में पैसा है, कृपया आप अपने पैसे निकाल लीजिए, क्योंकि 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट करना या कहीं पर भी क्रेडिट करना या यूज करना पेटीएम वॉलेट का पूरी तरीके से पाबंदी है इस पर। इसलिए बहुत जरूरी है इस खबर को आप ध्यान से सुने। दिल्ली से असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम, जिस तरीके का ये फैसला सामने आया है, सबसे पहले तो इससे बताइए कि कौन कौन सी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, ताकि जो दर्शक हैं वो बेहतर समझ पाए इस पूरी खबर को। देखिए, आरबीआई ने जो पेटीएम है उसका एक स्पेशल ऑडिट कराया था और उस ऑडिट में पाया कि ये कंपनी लगातार नियमों की अनदेखी कर रही है। तो सीधे सीधे जो आरबीआई है उसने कंपनी के ऊपर रोक लगा दी है। कंपनी से कहा कि आप नए डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, आपका कोई भी बैंक में क्रेडिट डिपॉजिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अब आप नया डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे। जिनके भी अकाउंट्स ऑलरेडी है वो उनके अकाउंट्स ऑलरेडी चलते रहेंगे। 29 फरवरी के बाद ये बैंकिंग सर्विसेज कंपनी नहीं दे पाएगी और 15 मार्च तक उसको सारे बैंक अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे। ये बता दूं कि आपका जो डिपॉजिट है ग्राहकों का वो पूरी तरह से सेफ है, उसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उसको निकाल पाएंगे, लेकिन एडिशनल डिपॉजिट आप बैंक के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो ये आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पेटीएम के ऊपर कार्रवाई की है कि अब उसके अंदर कोई भी डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लगातार कंपनी नियमों की अनदेखी कर रही थी, तो कंपनी के ऊपर अब आरबीआई ने कार्रवाई की है। और क्या कुछ असर इसका होगा ग्राहकों पर भी जाहिर तौर पर पड़ेगा। बड़ी कंपनी है, बड़ा बेस बैंक है, बड़ा कस्टमर बेस बैंक है, तो क्या असर कस्टमर्स पर पड़ सकता है? देखिए, कस्टमर अब डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, खासतौर पे कि जो बैंक पेमेंट बैंक के अंदर अपनी पैसे जमा कराते थे। हाँ, 2 लाख तक की लिमिट थी, वो पैसे अपने जमा करा सकते थे, अपनी एफडी के बना सकते थे या उसके अपना पैसे ट्रांजेक्शन उसके हिसाब से कर सकते थे। तो उसके ऊपर अब सीधे सीधे आरबीआई ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। कस्टमर के बैंक अकाउंट के ऊपर फिलहाल कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। कस्टमर जो अपना पैसा है वो निकाल पाएंगे, निकालने में कोई भी रोक यहाँ पर नहीं लगी है, लेकिन हाँ, डिपॉजिट करने के ऊपर रोक लगी है। तो कस्टमर्स के ऊपर कोई खास ऐसा असर दिखने को नहीं पड़ रहा। और 29 फरवरी के बाद कंपनी कोई भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाएगी। अभी टाइम जो है 1 महीने का कंपनी को दिया गया है और 15 मार्च तक उसको अपने सारे अकाउंट्स भी सेटल करने पड़ेंगे, जो भी नोडल अकाउंट्स है उसको सेटल करने पड़ेंगे। ये टाइम कंपनी को आरबीआई की तरफ से दिया गया है, तो कोई इमीडिएट इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर फिलहाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को थोड़ा सा वक्त दिया है, ट्रांजेक्शन का वक्त आरबीआई की तरफ से दिया गया कि आप इतने वक्त के अंदर अंदर ये सब अकाउंट सेटल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से भी मिल रही है। बीएमएचआरसी में सीबीआई ने दबिश दी है। 20 अधिकारियों की टीम जांच कर रही है, डायरेक्टर चैंबर में दस्तावेज भी खंगाल रही है सीबीआई की टीम। अस्पताल में खरीदी से जुड़ा यह मामला है, खरीदी में गड़बड़ी के बाद सीबीआई का यह एक्शन है। इसी को लेकर 20 अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी टीम पहुंची हुई है, डायरेक्टर चैंबर में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो ये भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएमएचआरसी में सीबीआई का छापा, जहां 20 अधिकारियों की जो टीम है वो फिलहाल जांच कर रही है, डायरेक्टर चैंबर में दस्तावेज भी खंगाल रही है सीबीआई, खरीदी में गड़बड़ के बाद सीबीआई का ये एक्शन देखने को मिल रहा है, और 20 मेंबर्स की ये पूरी टीम है जो लगातार छापेमारी कर रही है।